23 अक्टूबर से शनिदेव चलने जा रहे हैं, अब सीधी चाल। शनिदेव को कहा जाता है न्याय का देवता। शनिदेव के सीधी चाल चलने से पांच राशियों को मिलेगी बड़ी राहत। तीन राशियों को रहना होगा खास सावधान। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। शनिदेव 23 अक्टूबर को धनतेरस के दिन मार्गी होने जा रहे हैं, यानी सीधी चाल चलने लगेंगे। हमारे ज्योतिष में और हमारे नवग्रहों में शनिदेव को एक प्रमुख स्थान हासिल है। इन्हें न्याय का देवता और कर्म का कारक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसे रंक से राजा बना देते हैं, और जिन पर उनकी क्रूर दृष्टि पड़ती है उस व्यक्ति की मुसीबतें बढ़ जाती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि शनिदेव हमारे कर्मों का, हमारे इसी जीवन में हमें फल देते हैं। अच्छे कर्मों का अच्छा फल देते हैं, बुरे कर्म का बुरा फल देते हैं। जन्म कुंडली में शनि की जो शुभ स्थिति है, जहां हमें लाभ प्रदान करती है, वहीं अशुभ स्थिति जीवन में दिक्कत, परेशानी और आर्थिक संकट का कारण भी बनती है। यही वजह है कि शनिदेव को हर कोई शांत रखना चाहता है, प्रसन्न रखना चाहता है, और हर कोई शनिदेव की कृपा पाने को ललायत रहता है। मैं बताना चाहूंगा कि शनिदेव अपनी साढ़े सती के दौरान, अपनी ढैया के दौरान, अपनी महादशा, अपनी अंतरदशा, अपनी प्रत्यंतर दशा के दौरान व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। और शनिदेव जो है वो तुला राशि में उच्च के होते हैं, मेष राशि में ये नीच के माने जाते हैं। बुध और शुक्र के साथ इनकी बहुत मित्रता है, जबकि सूर्य, चंद्रमा और मंगल ग्रह इनके शत्रु माने जाते हैं। शनिदेव जो है वो पुष्य नक्षत्र के, अनुराधा नक्षत्र के और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं। शनिदेव एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने में लगभग 2.5 साल का समय लगाते हैं। इन सभी ग्रहों में इन्हें धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है, तभी इन्हें शनि शनि भी कहा जाता है। और यही वजह है कि शनिदेव का प्रभाव व्यक्ति पर ज्यादा समय तक रहता है। शनि का जो गोचर काल है वो 12 राशियों में भ्रमण में 30 साल का समय लगाते हैं और एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। इनकी जो महादशा है वो 19 साल तक चलती है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शनिदेव इस साल 12 जुलाई को मकर राशि में वक्री हुए थे, यानी उल्टी चाल चलने लगे थे, और अब 23 अक्टूबर को धनतेरस के दिन, बहुत शुभ दिन है, और उस दिन वो मार्गी होने जा रहे हैं। शनि के मार्गी होने का अर्थ है कि अब शनि सीधी चाल चलेंगे। मौजूदा समय में पांच राशियों पर शनि की साढ़े सती और शनि की ढैया चल रही है। धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि पर शनि की साढ़े सती चल रही है। मिथुन राशि और तुला राशि पर शनि की ढैया चल रही है। वैदिक ज्योतिष की अगर बात करें तो जब शनिदेव किसी राशि में उल्टी चाल से चलते हैं तो जिन राशियों के ऊपर साढ़े सती और ढैया चल रही होती है उन्हें कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है। इन लोगों को लगातार कार्यों में असफलताएं प्राप्त होती हैं, नौकरी में तनाव, बिजनेस में हानि का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बीमारियां भी पीछे लगी रहती हैं। ऐसे में जब 23 अक्टूबर को शनि मकर राशि में सीधी चाल चलने लगेंगे तो मिथुन राशि, तुला राशि, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि के जो लोग हैं उनके कष्ट कम होते जाएंगे, काम में आ रही रुकावटें खत्म होंगी, नौकरी में अच्छे पछताव आना शुरू होंगे, बिजनेस में अच्छा मुनाफा मिलेगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। मैं ये बताना चाहूंगा कि शनिदेव के सीधी चाल चलने से जहां पांच राशि वालों के कष्ट कम होंगे, जिनके बारे में मैंने बताया कि कौन कौन सी राशियां हैं और ऐसी राशियों को राहत मिलेगी, तो वहीं शनि के सीधी चाल चलने से कुछ राशियों की जिंदगी में थोड़ा उथल पथल भी होगी। इनमें सबसे पहले कर्क राशि वालों को थोड़ा सचेत रहना होगा। कर्क राशि वालों को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शनिदेव कर्क राशि के सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। शनि के मार्गी होने से मैरिड लाइफ में कुछ खटास आ सकती है, संपत्ति से जुड़े मामलों में भी हानि होने के योग दिख रहे हैं। कन्या राशि वालों को भी सावधान रहना होगा क्योंकि शनि के मार्गी होने पर कन्या राशि वालों को कुछ कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। कन्या राशि के पंचम और छठे भाव के स्वामी जो है वो शनिदेव है। इस समय कोई आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, खास करके नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल में थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। धनु राशि वालों के लिए भी शनि का मार्गी होना कोई ज्यादा अच्छी खबर लेकर नहीं आ रहा। शनिदेव के मार्गी होने से धनु राशि वालों का कष्ट बढ़ेगा। धनु राशि के दूसरे और तीसरे भाव के जो स्वामी है वो शनि है। इस दौरान पारिवारिक जीवन में थोड़ा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, अस्पताल के चक्कर भी लगाना पड़ सकते हैं, पैसे का खर्च होगा। मैं अब दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शनिदेव की कृपा हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि किसी जरूरतमंद व्यक्ति को शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें, अपनी नाभि पर सरसों का तेल लगाएं और पीपल के पेड़ पर मंगलवार और शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दिया जलाएं। गरीबों में अनाज, काला कंबल आदि दान कर सकते हैं। शनिदेव की आपको कृपा हासिल होगी।
आज की पोस्ट में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर बता दूं कि 23 अक्टूबर धनतेरस के दिन से शनिदेव सीधी चाल चलने वाले हैं और कई राशियों को अच्छे और बुरे नतीजे देंगे। मेरे पेज से जुड़े रहिए, इसे फॉलो करिए। मैं गुरमीत बेदी।